Hello everyone. As you know, myself Deepak Kumar, and I am here to teach you the IP, that is computer, in 11-12 classes. So basically, हम लोग 10th class से 11th class में आ रहे हैं. अभी तो exam खत्म नहीं हुए, but almost सबको certain है कि exams main semester खत्म हो ही गए थे. तो हम लोग 11th में जाने ही वाले हैं. सभी कोई अपना या तो science या commerce या arts लेने वाले हैं. अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में लोग ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली हम लोग आइदर साइंस या कॉमर्स, ये दोनों में से भी कुछ चूज करते हैं, क्योंकि आर्ट्स काफ़ी कम ही स्कूल्स में होते हैं. तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना. तो पहले मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ, फिर अपने सब्जेक्ट पर हम लोग आएंगे. तो ये आज का बस हम लोग का एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा. इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स पे हम लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा. तो बेसिकली हम लोग देखना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये भी हमको देखना है, ठीक है. और क्या पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मीन्स आगे चले सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं इन क्लास 11 and 12. तो अगर हम लोग डिवाइड करें अपने सब्जेक्ट्स को साइंस और कॉमर्स, तो हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं इन साइंस एज वेल एज इन कॉमर्स. कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो ले सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं साइंस और कॉमर्स में, तो सबसे पहले साइंस में जो सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, तो देखा जाए तो वह इंग्लिश पढ़ना है आपको. इंग्लिश पढ़ना है आपको, दैट इज कंपलसरी सब्जेक्ट. हाँ, सेकेंड सब्जेक्ट विच इज कंपलसरी इज फिजिक्स एंड इन कॉमर्स इट इज अकाउंट्स. थर्ड इट इज केमिस्ट्री एंड हियर इट इज बिजनेस स्टडीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में BST भी कहते हैं, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट, ये तीनों कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें हमको कोई ऑप्शन नहीं है, हमको पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है. हम तो फोर्थ सब्जेक्ट जनरली हम लोग क्या ऑप्ट करते हैं, तो इट इज आइदर मैथ और बायो, इसमें से एक, या तो मैथ लेना है या बायो लेना है, एक तरह से, ठीक. वी कैन चूज आउट ऑफ दोनों में से कोई एक हम लोग चूज कर सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते. हाँ, कुछ स्कूल्स में दोनों भी लेने का ऑप्शन रहता है, बट दैट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो मैथ एंड बायो, एंड हेयर इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है जैसे इकोनॉमिक्स, हमको इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे सर्टेन रहता है. ये चार सब्जेक्ट के बाद दो हमारे पास और सब्जेक्ट होते हैं, जो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेके जाते हैं. तो उसमें हम क्या चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी चूज कर सकते हैं, अपने स्कूल्स में रखा जाए तो हिंदी ही है बस, ये भी हमको पढ़ने. और वी कैन चूज IP, इसका नाम है, नाम अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या करते हैं, अभी क्या 12th के एग्जाम देने थे, लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट का नाम पता नहीं रहता है. एंड लास्ट सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन. इसको बोलते हैं PHE, फिजिकल एजुकेशन. तो ये तीन सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हमारे, एक तरह से चार सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए, इसमें तीन सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए. मैथ बारे में से एक ले सकते हैं, चार सब्जेक्ट हो गए. अब ये तीनों में से हम दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं.
जनरली सीबीएसई स्कूल में 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, बहुत सारे स्कूल्स में 5 सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में बहुत जगह 5 सब्जेक्ट की ही पढ़ाई होती है। आईपी में फिर 2 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी कंप्यूटर में फिर 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक आईपी होता है, एक कंप्यूटर साइंस होता है, बट मैक्सिमम स्कूल्स तेज वाली आईपी। अगर आईपी या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस विल बी मोर टफ देन आईपी, सो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर आईपी। तो मैंने बात किया हिंदी आईपी और फिजिकल एजुकेशन में 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, तो मैक्सिमम स्कूल में कुछ 1 सब्जेक्ट इसमें से कंपलसरी कर दिया, जैसे हमारे स्कूल में हिंदी कंपलसरी है तो हिंदी लेना ही लेना है। अब आउट ऑफ आईपी एंड फिजिकल एजुकेशन 1 सब्जेक्ट हम फिर से चूज कर सकते हैं, आईपी और फिजिकल एजुकेशन से 1 सब्जेक्ट, या तो हम आईपी के पास जाएँ या तो फिजिकल एजुकेशन के पास जाएँ, आईपी या फिजिकल एजुकेशन से एक हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब 6 सब्जेक्ट्स इंग्लिश तो सबको पता है क्या होता है, फिजिक्स पता है, केमिस्ट्री पता है, मैथ पता है, हिंदी पता है, आईपी और फिजिकल एजुकेशन में ये 2 नए सब्जेक्ट्स हमको लग रहे हैं। इधर जैसे इंग्लिश पता है अकाउंट्स, अब अकाउंट्स के टीचर ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं अकाउंट्स में क्या होता है, बट इसमें जनरली ऑडिटिंग की बात करते हैं, मतलब क्या डेबिट क्रेडिट ये सब सारी चीज़ की बात होती है। बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, तो बिजनेस के बारे में बात होती है, बिजनेस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसके बात होती है। इकोनॉमिक्स यू ऑल नो, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, हिंदी पढ़ चुके हैं। आईपी और फिजिकल एजुकेशन ये दोनों नए सब्जेक्ट्स हमको जान पड़ते हैं। आईपी मतलब कंप्यूटर, जो हम 9th 10th में पढ़ते थे, लेकिन 9th 10th जैसा कंप्यूटर नहीं, 9th 10th में कंप्यूटर जो था काफ़ी ईजी रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा हमको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे आईपी एक तरह से मेन सब्जेक्ट की तरह आता है, इसके मार्क्स काफ़ी उसमें हाई स्कोर सब्जेक्ट होता है, लेकिन ध्यान देने पर ये टफ सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है जो लोअर क्लासेस में नहीं रहती है। सो आईपी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर की बात करिए, फिजिकल एजुकेशन में एक तरह से रिलेटिवली इसको ईजी सब्जेक्ट माना जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली इसको हम लोग एक तरह से बोलते खेल कूद से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, खेल कूद योगा इस सबसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ईजी सब्जेक्ट इसको माना जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, बट अगर कैरियर ओरिएंटेड की बात करें तो आईपी इज बेटर देन द फिजिकल एजुकेशन, वी कैन से दैट, कैरियर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। जो अगर हम इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंग्लिश का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 80+20, 70+30, 70+30, मैथ में यहाँ पर होता है 80+20 एंड 70+30, हिंदी में 80+20, आईपी में 70+30 एंड फिजिकल एजुकेशन में 70+30। नाउ इंग्लिश में अगेन 80+20, अकाउंट्स 80+20, बिजनेस स्टडीज 80+20, इकोनॉमिक्स 80+20, हिंदी 80+20, आईपी 70+30 एंड फिजिकल एजुकेशन 70+30। दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। 80 नंबर जो मेन एग्जाम होगा, 20 नंबर या तो स्कूल्स में होंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के वाइवा लेके मार्क्स दिए जाते हैं। ये इंटरनल एग्जाम होता है, इसमें बाहर से कोई एग्जाम लेने नहीं आते हैं। फिजिक्स 30-70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर जो होता है हमारा 17 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी एग्जाम होता है जो बोर्ड सेंटर्स पे होंगे, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं और उसका प्रैक्टिकल होता है, उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है होता है हमारा। अगर देखा जाए एक स्टूडेंट अगर ऑप्ट करता है फिजिक्स केमिस्ट्री और आईपी, इन दैट केस ही इज गेटिंग 30 मार्क्स एज ए प्रैक्टिकल मार्क्स, 90 मार्क्स एज ए प्रैक्टिकल मार्क्स। अगर वो बायो भी लेता है उस केस में 120 मार्क्स एज ए प्रैक्टिकल मार्क्स हो जाते हैं। सिमिलरली उसको उसके अलावा 20 मार्क्स इधर इंग्लिश का और 20 मार्क्स इधर, यानी अच्छे खासे मार्क्स उसको प्रैक्टिकल में मिल सकता है अगर हम देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का रिजल्ट। तो ये है एक तरह से बेसिक क्या हो गया, तो
स्ट्रक्चर हो गया कि क्या हम लोग को पढ़ना है 11th 12th में, ठीक है। एक चीज़ भूल जाइए जो 10th का चीज़ था, 10th में हम लोगों का क्या था सिस्टम, तो 10th का सिस्टम था अगर मैथ का एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में हमारा क्या चल रहा था, तो 20 मार्क्स के स्कूल का एग्ज़ाम होते थे और 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते थे कहाँ, तो बोर्ड पे, बोर्ड के एग्ज़ाम। और इन दोनों मार्क्स मिला के अगर 33 मार्क्स आ गया तो हम लोग पास हो जाते थे, ये पास हो जाएंगे। बट 11th 12th में ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है, या 11th 12th में ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर तुम्हारा 70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो तुमको सेपरेटली लाना होगा 23 नंबर प्लस 10 नंबर, दैट मीन्स 33 नंबर, सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आना होगा। इसमें भी इतना पासिंग, इसमें भी इतना मार्क्स पासिंग, इसमें से किसी में कम हुआ तो फेल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 80-20 का, 80-20 में, अगर 80-20 की बात कर रहे हैं, 80-20 में 80 में हमको लाना होगा 26 मार्क्स, और 80-20 सॉरी, और 20 में लाना होगा 7 मार्क्स, 80-20। देख सकते हैं किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11th 12th में, यानी यहाँ पर आपको सेपरेट सेपरेट मार्क्स लाना होगा पासिंग होने के लिए, एंड डेट वॉन्ट बी ईजी। अगर आप 10th में सीरियस नहीं थे पढ़ाई के प्रति, तो 11th 12th में ईजी नहीं होगा, इसीलिए हमको 11th में स्टार्टिंग से ही हमको ध्यान देने की जरूरत है पढ़ाई से, तब जाके हम लोग कुछ आगे अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। इसमें ध्यान देंगे तीन सब्जेक्ट्स तो दोनों में मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कहने का मतलब है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तभी जाके इसमें मार्क्स आएंगे। इंग्लिश हिंदी और IP या फिजिकल एजुकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान ना देने का मतलब यह नहीं है कि हम ध्यान नहीं देंगे, मीन्स थोड़ा सा कम पढ़ के भी इसमें अच्छे मार्क्स स्कोरिंग किया सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्कोर करने के लिए, दिस सब्जेक्ट का स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें परसेंटेज आता है। वैसे तो सबको पता ही है मैथ में दिनों रात पढ़ते रहो, 10th में क्या नंबर आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो मैथ और IP जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये टफ सब्जेक्ट्स हैं। हमको स्कोर मार्क्स ज़्यादा स्कोरिंग कहाँ पर होगा, तो इंग्लिश हिंदी और IP या फिजिकल एजुकेशन, यही सब्जेक्ट्स हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कहे जाएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग को मिलने वाला है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अगर हम टॉपिक पे आते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आज का, IP। हम लोग IP देखने के लिए बैठे थे, तो IP में हम लोग को क्या पढ़ना है, पर हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन है, तो बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है ये हमको जान लेना है, हमको पता होना चाहिए हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो IP का हमारा जो सिलेबस है, इसमें हमको जो मेन लैंग्वेज पढ़ना है वो लैंग्वेज है पाइथन। हमको पाइथन पढ़ना है, पाइथन मतलब अजगर, हाँ अजगर ही पढ़ना है। तो पाइथन हमको पढ़ना है 11th में और 12th में। पाइथन दो टाइप का है, एक पाइथन IP के लिए, एक पाइथन है कंप्यूटर साइंस के लिए। बट हमको IP का पाइथन पढ़ना है, जो कि रिलेटिवली ईजी है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, एकदम नया सब्जेक्ट है, लेकिन इजी है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा ध्यान देते रहें तो हमको इजी रहेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसके पहले भी कई टाइप के लैंग्वेजेस रह चुके हैं, ये काफ़ी एडवांस लैंग्वेज है। अभी के लिए देखा जाए तो काफ़ी शॉर्ट कोड्स होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हमको पाइथन पढ़ना है 11th में, तो बस पाइथन ही नहीं पढ़ना है, पाइथन के अलावा कुछ बेसिक कंप्यूटर्स रहेंगे, कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हम 5th क्लास 6th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें। फिर जाके ये है, फिर हमारे पास सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पर्पज से एक चैप्टर्स है, उसके बाद एक चैप्टर हमारा है इसी में आएगा MySQL। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, अगर आगे चल के आप BCA MCA या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपको ये दोनों लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, अगर आप 9th 10th में सीख, 11th 12th में सीख लेते हैं। तो हम लोग को अगर आगे चल के अगर किसी का थिंकिंग है कि हमको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है, तो ही मस्ट ऑप्ट फॉर द IP, उसको पढ़ना ही चाहिए, इसको माई पाइथन और माई स्क्यूएल की नॉलेज लेना ही चाहिए।
यही सब चीज़ें आगे चल के हमको फिर से पढ़नी होंगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें कैरियर के ओरिएंटेड कैरियर के हिसाब से देखें तो पाइथन और माइस को काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं। सब्जेक्ट एक ही है आईपी, आईपी में पाइथन भी है माइस को भी है। अगेन ट्वेल्थ में भी अगेन हमको फिर से क्या पढ़ना है तो पाइथन और माइस को पढ़ना है। उसके अलावा कुछ उसमें थ्योरी पोर्शन भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके चैप्टर है वो हमको पढ़ना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमको ट्वेल्थ में पढ़ना है, ठीक है। मेन हमको वहाँ पे भी पाइथन ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 11 एंड क्लास 12। अब बात करें कि जो हम लोग का क्लास है, मतलब हमको जो पढ़ना है 11th में या 12th में, तो इसके लिए क्या कंप्यूटर होना हमारे पास जरूरी है? अगर हम आईपी ले रहे हैं तो क्या हमारे पास कंप्यूटर होना जरूरी है? कंप्यूटर बिना नहीं चल सकता, तो कंप्यूटर है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस करने की बात होती है स्कूल में तो प्रैक्टिस होते ही है, उसके अलावा घर पर भी प्रैक्टिस अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर नहीं है तो इसके लिए आप फोर्स नहीं करना कि भाई नहीं सर बोले थे कि कंप्यूटर खरीद लीजिए, बिना कंप्यूटर के आईपी नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है, बिना कंप्यूटर के भी पढ़ सकते हैं। स्कूल्स में प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप पाइथन बिना घर पे नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमको घर पे भी सीखने की ज़रूरत है, तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन हो रहे हैं। अभी जो आप फ़ोन अपने हाथ में लेकर बैठे हैं वो भी एक स्मार्टफोन ही है, उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है पाइथन के लिए, वो इंस्टॉल करा सकते हैं। मैं बताऊँगा आगे चल के कौन सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन में भी पाइथन लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे फ़ोन हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है, तो हम कैसे पाइथन सीखेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी आप पाइथन सीख सकते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड कि हमको अगर आईपी लेना है तो हम आईपी पढ़ेंगे, आईपी में सीखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट ये है वही सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अलग तरीके से फिर से सीखेंगे थोड़ा सा, फिर से एक बार जान लेंगे कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम आया इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम आया इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लेक्चर्स में धीरे धीरे देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, दैट वॉन्ट टू बी वीडियो लेक्चर लाइक दिस, जितना एक इंट्रोडक्शन था इसमें वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, डैट विल बी हेल्ड ऑन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ये लेक्चर देखेंगे, हम लोग सब कुछ टर्म्स सीखेंगे पावर पॉइंट के हेल्प से, और पाइथन लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली लैपटॉप पे हम लोग ये सारी चीज़ सीखेंगे ऑनलाइन, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल हैव सेशन अबाउट पाइथन ऑल्सो, पाइथन देखेंगे। तो जिसको जिसको पाइथन लेना है, जिसको जिसको सोचना है, वो ना मन बना लें कि हमको कंप्यूटर सीखना है, हमको कंप्यूटर जानना है, एंड वी विल लर्न द पाइथन फ्रॉम नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट एंड वी विल सी यू टुमारो।